नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जिस पेड़ के सभी भाग, फल, फूल, पौधे, छाल, जड़, गोंद मनुष्य के लिए एक अभूतपूर्व वरदान है। हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज आबनूस के पेड़ की। दोस्तों, ये पेड़ भारत की भूमि पर तो नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के जंगलों में ये बहुत मात्रा में मिलता है। दोस्तों, आबनूस का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो मनुष्य के विभिन्न प्रकार के रोगों को शांत करता है। 40 साल की उम्र पार कर चुके बहुत सारे आदमियों में आपने देखा होगा एक आम समस्या आने लगती है, जिसे हम जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, शाटिका, मांसपेशियों में दर्द, घुटनों में दर्द इत्यादि रोग हो जाते हैं। अब इन सब रोगों से समाधान करने का केवल एक हमारे पास अचूक उपाय है। हम विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ ना खाकर केवल अगर एक औषधि ये ले लें तो हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों का समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको लेना कैसे है और इसके क्या क्या गुण हैं। दोस्तों, जहाँ तक गुणों की बात करूँ मैं, तो जो ये पौधा है, यह पौधा आपके दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के जंगलों में बहुतायत में मिलता है। दोस्तों, इस पेड़ के अंदर एक इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है जिसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि दवाई बाद में खत्म होगी, आपका रोग पहले खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा रोग। दोस्तों, वो रोग है आपका जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, शाटिका और यौन संबंधी रोग। अब दोस्तों, इस पेड़ के अगर हम फल की बात करें, फूल की बात करें, छाल की बात करें, तो इसका फल, फूल और छाल महिला में होने वाले श्वेत पत्र, रक्त प्रदर इत्यादि और मानसिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है। दोस्तों, गठिया बाय, शाटिका, ये एक ऐसे दर्द हैं जो 40 साल की उम्र के बाद मनुष्य को पकड़ लेते हैं और मनुष्य डॉक्टर के चक्कर लगाता रहता है, और उसको आराम नहीं मिलता है। डॉक्टर उसको क्या देता है? डॉक्टर उसको पेन किलर देता है, जिसे खाने के बाद उसे कुछ समय तक 10 घंटे, 20 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे तक आराम रहता है, लेकिन फिर से उसको दर्द उभरने लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी दवाई के बारे में, इस आबनूस पेड़ की, जो आपके इन समस्त रोगों के लिए रामबाण औषधि है। हाँ दोस्तों, वो दवाई है आबनूस के पेड़ का गोंद। इस आबनूस के पेड़ के गोंद को आमतौर पर हम काला गोंद या गोंद शाह के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसको विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं और जानकारी ना होने की वजह से नकली गोंद के चक्कर में आकर या फिर अज्ञानता के चक्कर में आकर अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ गोंद शाह के क्या क्या उपयोग है। आपको किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द आपका किसी चोट का हो या किसी दुर्घटना में आपका कोई बोन, कोई जॉइंट्स आपका फ्रैक्चर कर गया हो, फ्रैक्चर आपका जुड़ गया हो लेकिन आपका दर्द नहीं जा रहा है, दर्द आपकी मांसपेशियों का हो, तो उस इन सभी केसेस में आपको करना क्या है? आपको शाह गोंद लेना है, लेकिन शाह गोंद आपको लेना होगा एकदम असली। बाजार में बहुत सारे नकली गोंद भी चल रहे हैं, लेकिन आपको ये असली गोंद लेना होगा। अब करना क्या है आपको? इस गोंद को आप लेकर आइए और इस गोंद का 1 ग्राम, याद रहे दोस्तों, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, 1 ग्राम या उससे कुछ कम, सुबह और शाम गर्म पानी के साथ आप लीजिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100 ग्राम आप गोंद लेकर आएंगे, वो 100 ग्राम का गोंद खत्म होने से पहले आपकी शाटिका, आपका जोड़ों का दर्द, आपका गठिया बाय, आपका मांसपेशियों का दर्द, आपका चोट का, मार का, पीठ का, जो भी दर्द है, वो सारे के सारे दर्द इस 100 ग्राम के खाने से पहले पहले आपके ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इस दवाई के बहुत सारे गुण हैं। ये एक ऐसी दवाई है जो अभी तक ज़्यादातर लोगों की पकड़ से दूर है और वो लोग अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं और अपने ऑर्गन्स खराब कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ का सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, किसी और चक्कर में ना पड़िए, ना किसी फर्जी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में, ना किसी नीम हकीम के चक्कर में। आप सीधा जाइए दुकान पर और आयुर्वेदिक दुकान से मांगिए शाह गोंद। दोस्तों, इस गोंद का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, आप इस गोंद को टेस्ट करके देखेंगे तो ये इतना कड़वा होता है कि आपको, आपसे बर्दाश्त नहीं होगी इसकी कड़वाहट, इतना कड़वा होता है। अगर आपसे इसकी कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होती है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है गुड़ मिला सकते हैं या थोड़ी सी इसमें शक्कर मिला के आप खा सकते हैं। दोस्तों, दूध से ये दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो गोंद होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है,
इसलिए दूध के साथ वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आपको चाहिए कि आप इसको हल्के से गुनगुने पानी से लें और आप लेकर इसको देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके रोग को पूरी तरह से ठीक कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये दवाई आपके रोग को दूर करेगी और आप इस दवाई को लेकर इससे लाभ प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।